चलो रिकॉर्डिंग अलाउ हो गया है। हाँ तो यहां समझेगा आप, तीन इक्वेशन कंसिडर की अपने मन से हम, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। ये तीन इक्वेशन हम खुद से कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस लगाएंगे, तो हमको सबसे पहला काम करना है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इसके नीचे एवव इक्वेशंस कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां क्या करेंगे, इस जो लेफ्ट साइड वाला है इसको एक मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे हम, इसमें लिख देंगे तीनों इक्वेशन को। पहले को लिखेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई फिर प्लस सी वन जेड, दूसरा लाइन दूसरा रो में लिख देंगे ए टू एक्स फिर प्लस बी टू वाई फिर प्लस सी टू जेड, और थर्ड में लिख देंगे ए थ्री एक्स फिर प्लस बी थ्री वाई और फिर प्लस लिख देंगे क्या सी थ्री जेड, और इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर डी वन डी टू डी थ्री। नोट करेगा यहां तक पहले जल्दी फास्ट में। हो गया नोट, जल्दी फास्ट में नोट करेगा, 30 सेकेंड 30 सेकेंड जल्दी फास्ट में सभी बच्चे। हो गया ठीक है, आप देखो। हाँ आप देखो, अब क्या कहेंगे, इस वाले जो राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में जो है ये वाला, इसको दो मैट्रिक्स में हम तोड़ देंगे। इसको कितना मैट्रिक्स में तोड़ेंगे, दो मैट्रिक्स में। कैसे तोड़ेंगे देखो, पहले एक मैट्रिक्स हम ऐसे करेंगे बनाएंगे, और यहाँ ए वन बी वन सी वन है, एक्स का कोएफिशिएंट ए वन वाई का बी वन जेड का सी वन, इसको लिख देंगे यहाँ पर ए वन बी वन सी वन। दूसरा रो में क्या है ए टू बी टू सी टू, यहाँ लिख देंगे क्या ए टू बी टू सी टू। थर्ड में क्या है ए थ्री बी थ्री सी थ्री, यहाँ लिख देंगे ए थ्री बी थ्री सी थ्री इंटू, और वेरिएबल हमारा क्या है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को हम लोग एक कॉलम में बना देंगे, एक सिंगल कॉलम में लिख देंगे एक्स वाई जेड, और इक्वल टू हम इधर लिख देंगे डी वन डी टू डी थ्री जो हमारा दिया हुआ है। अब ऐसा लिख दिए हैं तो सेम है, देखो यहां पर इंटू है। अब इस दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड सेम आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेम, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ, लिख सकते हैं ना। हाँ, और अब इसी के जस्ट नीचे लिख देंगे डेट, इस पूरा मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे कि ये मेरा ए है, तो इसको लिख देंगे ए इनटू, ये वेरिएबल है इसलिए इसको कैपिटल एक्स से वेरिएबल से डिनोट कर देंगे, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। इसको हम एक बी मैट्रिक्स नाम दे देंगे, तो लिख देंगे क्या ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, और यहां में हम लिख देंगे साइड में कि वेयर यहां पर ए इक्वल टू ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री है। ए मैट्रिक्स यहां पर जो है ये ए, ये हमारा ये मैट्रिक्स है। कैपिटल एक्स इक्वल टू हम लिख देंगे एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स इक्वल टू हमारा ये मैट्रिक्स है, और कैपिटल बी इक्वल टू हम लिख देंगे डी वन डी टू जी थ्री। तो ये हमारा क्या है कैपिटल बी मैट्रिक्स, मतलब हम लिखेंगे ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या मैट्रिक्स फॉर्म। आया बात समझ में, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है बताओ मेरे को। सभी बच्चे को समझ में आ रहा है,
वेरी गुड, नोट कर लेगा बेटा इसको जल्दी से। हम लोग दोनों देख लिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 2x2 का मैट्रिक्स और आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं 3x3 का। तो नोट करो इसको जल्दी फास्ट में। हो गए सभी बच्चे का, हो गया नोट? हो गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो इसके आप जस्ट फिर बाद में लिखेगा, इसके नीचे लिखेगा एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स देखो, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इसका दो मेथड है। कितना मेथड है? टू। तो इसका दो मेथड है, मतलब इसको हम दो तरीका है एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तरीका है मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ इन्वर्सन, और उसके बाद दूसरा है क्या, मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ इन्वर्सन लिख देना फर्स्ट में और सेकंड में लिखना मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ रिडक्शन। दो तरीका। तो एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कितना मेथड है? दो मेथड है। एक मेथड का नाम है मेथड ऑफ इन्वर्सन और दूसरी मेथड का नाम है मेथड ऑफ रिडक्शन। ठीक है, अब हमको पहले सीखना है फर्स्ट वाला तरीका कि मेथड ऑफ इन्वर्सन से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इस तरीका को सीखेंगे, इन्वर्सन से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आएंगे हम रिडक्शन पर। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखना पॉइंट नंबर वन, मेथड ऑफ इन्वर्सन। फर्स्ट नंबर पॉइंट डाल के लिखना मेथड ऑफ इन्वर्सन। Method of inversions. Methods of inversion. अब methods of inversion में अब देखो, हम method of inversion लगाएंगे तो तुमको एक दो step याद रखना है कि हमको question को कैसे कैसे solve करना है। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप वन हम तुमको स्टेप लिखा देते हैं पहले, उसके बाद हम एक क्वेश्चन उठाएंगे और फिर उस क्वेश्चन को इन्वर्सन लगा के हम तुमको सॉल्व करके बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप लिख लेना कि मेथड ऑफ इन्वर्सन में हम लोग कैसे कैसे स्टेप लेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, तुमको गिवेन इक्वेशन देगा कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, वो हमारा ये होगा। मैट्रिक्स फॉर्म हमारा क्या होगा, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। अभी जस्ट हम सीखे हैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, दो इक्वेशन देगा तो दो इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर देंगे, तीन इक्वेशन रहेगा तो तीन इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, गिवेन इक्वेशन, जो इक्वेशन तुमको दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म का नाम क्या होगा, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। जैसे ही पहला स्टेप तुम कर दिया तो सेकेंड स्टेप में इस ए का चेक करेगा डिटरमिनेंट। स्टेप टू, कि डिटरमिनेंट ए
मतलब इसका डिटरमिनेंट, मतलब इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया, मतलब क्या होगा, ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, इज एग्जिस्ट। तो सेकंड स्टेप में सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल के हम यहां तक आ जाएंगे कि ए इनवर्स मेरा एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। पहला स्टेप में मैट्रिक्स कन्वर्ट, मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में करने के बाद जो ए मैट्रिक्स जो रहेगा वहां पर उसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करेंगे कि वो हमारा सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। वो अगर मेरा नॉन सिंगुलर आएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, अगर सिंगुलर आ जाता तो लिखते ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है हमारा। अगर सेकेंड स्टेप डिटरमिनेंट ए नॉन सिंगुलर हुआ, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तब जाएंगे स्टेप थ्री में। तब आएंगे हम कहां पर, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में तुमको फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलने का मतलब क्या है, रो या कॉलम, तुम रो लगाओ नहीं तो कॉलम लगाओ, और नहीं तो एडजॉइंट, मतलब किसी भी तरीका से तुमको ए इनवर्स निकालना है। उसको ए इनवर्स से मतलब है ये, उसको ये नहीं मतलब है कि तुम कौन सा तरीका लगा रहा है, रो कॉलम लगा रहा है कि एडजॉइंट, तुम कुछ भी लगाओ उसको ए इनवर्स से मतलब है। तुम ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स जैसे ही निकाल देगा, स्टेप फोर, स्टेप फोर, जो हमारा ए इंटू एक्स इक्वल टू बी है मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म रहेगा ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, यहां पर प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by A inverse we get, मतलब जो A inverse हम निकालेंगे उसी A inverse से जो matrix form है उसको both side हम multiply करते हैं। तो करते हैं, इसमें अगर हम multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा, A inverse into A into X equal to हो जाएगा क्या, A inverse into B, यहां भी multiply हो जाएगा A inverse into B। अब ए इनवर्स और ए दोनों मल्टीप्लाई होता है तो मेरे को मालूम है आइडेंटिटी होता है, तो गया आई इंटू, पहले नोट करो तो यहां तक समझ में आ रहा है स्टेप कैसे ले रहे हैं, बताएगा मेरे को बेटा। कृतिका, हाँ आ रहा है सभी बच्चे को समझ में, निशा आचल महेश्वरी आचल तृप्ति, आ रहा सभी को, वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड। नोट करेगा जल्दी से, फास्ट जल्दी से नोट करो, हाँ साक्षी नोट करो जल्दी से फास्ट। हो गया सभी बच्चे का नोट, हाँ ठीक है। अब देखो हाँ देखो इसको आप सॉल्व करते हैं, ए इनवर्स और ए, ए इनवर्स और ए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाता है क्या, आइडेंटिटी इनटू एक्स इक्वल टू, इधर बनेगा क्या, ए इनवर्स इनटू बी,
आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए इनवर्स इनटू बी, ये आएगा। तो इसी को बोलेंगे, तो यहां पर जब एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी आएगा, ठीक है, एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल इनटू बी, यही मेरा जो होगा इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। यही मेरा जो होगा रिक्वायर्ड क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। इसी को सॉल्व करेंगे तो मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। आया बात समझ में बेटा, सभी बच्चे को समझ में आया कि मेथड ऑफ इन्वर्सन में कैसे कैसे करना है काम। सबसे पहले इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म, दूसरा स्टेप उसका डिटरमिनेंट, तीसरा स्टेप इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के बाद फिर से जो मैट्रिक्स फॉर्म में है प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के बाद लेके आ जाएंगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही मेरा होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है, क्वेश्चन पर आ जाए बेटा, बोलो। यस, चलो ठीक है, वेरी गुड, आ जाओ क्वेश्चन पर, निकालो बुक, और बुक का लास्ट एक्सरसाइज है 2.3, निकालो जल्दी से एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्सन मेथड। इन्वर्सन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या दिया है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू मेरे को क्या दिया है, टू, और दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया है, 3। इसको बोल रहा है क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। इसको क्या बोला है, सॉल्व करने के लिए क्या लगा के, इन्वर्सन लगा के। चलो करते हैं सॉल्व, सॉल्यूशन तो लिखते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। वन टू है तो यहां लिखते हैं वन, यहां टू, टू थ्री है तो यहां लिख देते हैं टू थ्री, और यहां पर लिख देते हैं क्या, एक्स वाई, और इधर साइड इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू यहां क्या है टू, और इक्वल टू क्या है थ्री, यहां टू और थ्री, एक स्टेप हम गायब कर दिए। समझ में आ रहा बात, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा बेटा समझ में, आ नहीं, जो दिमाग से थोड़ा कमजोर है, हाँ जो दिमाग से थोड़ा कमजोर है, जिसको थोड़ा कम समझ में आता है, तो वो एक इक्वेशन पर एक मैट्रिक्स बनाना, एक मैट्रिक्स में लिखना x प्लस टू वाई, और फिर लिखना क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू इधर लिख देना क्या 2 और 3, और फिर इसको दो मैट्रिक्स में तोड़ देना। हम पहले ही डायरेक्ट दो मैट्रिक्स में तोड़ दिए, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे लिखेंगे डेट a इंटू एक्स इक्वल टू बी, लिख देंगे, लिख देंगे क्या a इंटू एक्स इक्वल टू बी। हम इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे b, और यहां पर लिख देना है वेयर a इक्वल टू 1, 2, 2, 3, x इक्वल टू एक्स वाई, और b इक्वल टू 2, 3। पहला काम, पहला स्टेप जो था वो मेरा कंप्लीट,
पहला स्टेप में यही सीखे थे कि मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, मतलब ए इंटू एक्स इक्वल टू बी आ गया, इसको मानेंगे इक्वेशन वन। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। स्टेप टू क्या सीखे थे, डिटरमिनेंट निकालने, निकालो डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा, 1 2 2 3 है, 1 2 2 3 सॉल्व करो, 3 2 2 4, 3 - 4 - 1, मतलब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। आया बात समझ में, सेकंड स्टेप यही था मेरा, डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट निकाले, डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट हो गया। हो गया, आ रहा है बेटा समझ में बात? हाँ, नॉट करेगा, नोट करो, नोट करो जल्दी फास्ट। अब इतना करने के बाद थर्ड स्टेप क्या सीखे हम, इनवर्स निकालना। थर्ड स्टेप क्या सीखे हम, इनवर्स निकालने के लिए। हो गया सभी बच्चे का नोट? हाँ, तो स्टेप थ्री, स्टेप थ्री पर आते हैं हम। स्टेप थ्री में क्या था, फाइंड ए इनवर्स। तो इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे फाइंड इनवर्स। अच्छा देखो, ए इनवर्स एग्जिस्ट तो हम ले लेते हैं बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, यही लिख लेते हैं बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या सीखे थे, कंसिडर, कंसिडर्स, कंसिडर क्या करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ए हमारा क्या है, 1 2 2 3 इंटू ए इनवर्स, आइडेंटिटी क्या, 1 0 0 1। सबसे पहला स्टेप, यहाँ 2 है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके माइनस, रो 2 में माइनस 2 इंटू आर 1, आर 1 सेम हो जाएगा 1 2, ये तो 0, इसमें 2 मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा 4, माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस 1 इंटू ए इनवर्स, 2 मल्टीप्लाई ये तो 1 0, 2 मल्टीप्लाई करके तो माइनस 2 और ये 1। स्टेप 2, स्टेप 2 इस माइनस 1 को 1 करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई, आर 2 में माइनस 1 इंटू आर 2 करो, तो यहाँ पर हो गया क्या 1 2, यहाँ 0, यहाँ बचाया क्या 1, इंटू क्या हो गया ए इनवर्स इक्वल टू, इधर ये तो 1 0 होगा, माइनस 2 में करेंगे तो 2, 1 में करेंगे तो ये माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इस 2 को 0 करना है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके माइनस, तो R1 में माइनस करेंगे 2 इंटू आर 2, यहाँ तो 0 कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1 में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ हो गया क्या 0 1, ये क्या हमारा ए इनवर्स इक्वल टू, 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस करेंगे 1 - 4 - 3, माइनस 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, माइनस माइनस से +2, तो यहाँ +2, यहाँ क्या है 2 - 1। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, ये हो गया मेरा आइडेंटिटी, ये मेरा क्या हो गया आइडेंटिटी, ये हो गया आइडेंटिटी इंटू क्या हो गया ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया -3 2 2 - 1। आइडेंटिटी को ए इनवर्स है तो ए इनवर्स इक्वल टू -3 2 2 - 1, ए इनवर्स हम निकाल दिए। जो स्टेप थ्री था, स्टेप थ्री हम पहले निकाल दिए ए इनवर्स। उसी तरह जैसे हम जो स्टेप लिखे हैं ना, सेम उस टाइप से हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बोलो समझ में आया बेटा यहां तक? समझ में आ पा रहा है निशा? हाँ वेरी गुड, रिप्लाई माहेश्वरी, हाँ वेरी गुड, तृप्ति वेरी गुड, आंचल, रोहित,
आ रहा है सभी को साक्षी। चलो जल्दी से नोट करो तो बेटा आप जल्दी से। प्रियांशु नोट करेगा जल्दी से। नोट करो, लास्ट 10 मिनट्स बचा हुआ है, जल्दी से नोट करेगा। हो गया। अच्छा, इतना के बाद हम क्या सीखे थे स्टेप? इतना के बाद हम सीखे थे कि फिर से हम मैट्रिक्स फॉर्म लेंगे ए इंटू एक्स इक्वल टू बी और प्री मल्टीप्लाई करेंगे क्या ए इनवर्स, यही ना सीखे थे। तो इसके बाद लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म को हम फर्स्ट इक्वेशन माने हैं तो फ्रॉम वन क्या था ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, इसी को हम लोग वन इक्वेशन माने थे मैट्रिक्स फॉर्म। अब यहां क्या लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। यहां हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आइडेंटिटी तो आई इंटू एक्स इक्वल टू हो गया ए इनवर्स इंटू बी। आइडेंटिटी को एक्स से करेंगे तो एक्स इधर हो जाएगा क्या ए इनवर्स इंटू बी। तो यहां पर एक्स ए इनवर्स मेरा क्या है -3 2, तो -3 2 2 -1। बी मेरा क्या था, देखो तो जल्दी से बी मेरा क्या था, बताओ तो जल्दी से बी कितना आया था बेटा, जल्दी से बताओ बी कितना आया था बेटा, 2 3, यहां पर 2 यहां पर 3, यही था ना बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या था 2 3, देखो था इधर कैपिटल एक्स है तो इसको कैपिटल एक्स ही लिखे हैं। जिसको हम बी मैट्रिक्स लेट किए थे उसको रख दिए हम, जो ए इनवर्स मेरा आया है उसको रख दिया। अब दोनों के बीच में यहाँ क्या है इनटू है, दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हम तुमको लिखे थे कि यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन मेरा आ जाएगा। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनटू है, मल्टीप्लाई हम लोग सीखे हैं करने के लिए, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इधर एक्स है तो एक्स इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 को 2 से कितना हो जाएगा -6 2 को 3 से 6, तो -6 + 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 2 से 4 -1 को 3 से, तो 2 2 = 4 -1 को 3 से -3। कैपिटल एक्स -6 + 6 0 4 - 3 1, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0 1। इस कैपिटल एक्स को हम लोग क्या लेट किए हुए हैं, वेयर यही था मेरा क्या एक्स और वाई, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और 1। तो इसी के नीचे हम लिख देंगे बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कंपेयर बोथ साइड्स, बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दोनों का दोनों हमारा आपस में यहाँ इक्वल है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग बोथ साइड क्या कर सकते हैं कंपेयर। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यही मेरा हो गया आंसर। आया बेटा समझ में बात? हाँ, अब तुम सोच रहा होगा कि सर दो इक्वेशन है इसको तो हम तुरंत सॉल्व कर देते हैं, हमको एक मिनट भी टाइम नहीं लगता, डायरेक्ट सॉल्व कर देते एक्स हमारा 0 y हमारा 1 आ जाता। लेकिन एप्लीकेशन लगा के भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा इन्वर्सन तरीका है कि मैट्रिक्स के तरीके से मैट्रिक्स का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि नहीं आया? आ गया। तो नोट कर लेगा बेटा सभी बच्चे, जितने बच्चे लाइव में हो जल्दी से नोट करो क्योंकि कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। सबसे पहले नोट कर लो,
हो गया निशा, चलो ठीक है। और बच्चे जल्दी से, साक्षी हो गया, महेश्वरी हो गया, सही बच्चे का नोट हो गया। सृष्टि हो गया, चलो वेरी गुड। चलो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, नोट कर लिए। तो हम लोग क्या सीखे, देखो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग जाता है क्वेश्चन, लेकिन है इजी। क्या काम करना है, पहला काम मैट्रिक्स फॉर्म, दूसरा काम डिटरमिनेंट, तीसरा काम इनवर्स, चौथा काम मैट्रिक्स फॉर्म में ही मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद ये वाला एक्स हो जाएगा, इधर ए इनवर्स बी, उसी को पुट करके इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक्स वाई निकाल देंगे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो बेटा तुम लोग एक्सरसाइज 2.3 का वन में और दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो दोनों क्वेश्चन होमवर्क। क्लियर? बन जाएगा बेटा? हाँ, तो यहीं तक रहने दो, इसके आगे ऐसे भी टाइम नहीं बचा हुआ है। कितना टाइम बचा हुआ है, तुरंत खत्म हो जाएगा, दो तीन मिनट बचा हुआ है, तो रहने दो यहीं तक, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो तुम लोग खुद से बना के आओ, कल मॉर्निंग में ही जो अपने टाइमिंग है क्लास का उसी टाइमिंग में देखेंगे। आज मौसम खराब था जिसके चलते नेटवर्क ही नहीं था अच्छा, क्लास हो ही नहीं पा रहा था। तो चलो बाय, आओ नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ओके, आओ बाय।